वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनालिटीज़। बॉलीवुड में बादशाह नाम लेने के लिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले जहन में अमिताभ बच्चन का नाम आता है। लेकिन अमिताभ के दौर में भी एक सितारा था जो बहुत तेज़ी से उभर रहा था, और वो लंबे समय तक अगर रहता तो शायद अमिताभ को स्टारडम नहीं मिल पाती। इस एक्टर ने अपने करियर के पीक पर सन्यासी बनने का निर्णय लिया, और जब लौटने का प्रयास किया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। कहा जाता है कि एक गलत फैसले से एक्टर की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। हम जिस खूबसूरत एक्टर की बात कर रहे हैं वो है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। सुनील दत्त ने विनोद की प्रतिभा पहचानी और साल 1968 में उन्हें फिल्म मन का मीत में काम करने का मौका दिया। विनोद ने करियर की शुरुआत में नेगेटिव किरदार निभाए और इसके बाद भी हीरो बनकर उभरे। 1971 में विनोद ने एक्टर के तौर पर फिल्म हम तुम और वो की। उसके बाद इम्तिहान और अमर अकबर एंथनी मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों ने उन्हें खूब प्रसिद्धि दिलवाई। विनोद खन्ना बॉलीवुड में नई पहचान बना चुके थे और उनके पास कई अच्छी फिल्मों के ऑफर भी आ चुके थे। अमिताभ बच्चन और अन्य दूसरे उनके समकालीन अभिनेताओं को वो कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन करियर के पीक पर उन्होंने 1982 में फिल्म से ब्रेक लेकर ओशो के शरण में सन्यासी बनने की घोषणा कर दी, और ये बात पूरी इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग थी। स्वामी विनोद भारती बनकर आश्रम में मालिक का काम करने लगे। 1986 में जब यूएस में ओशो का आश्रम बंद हुआ तो एक बार फिर विनोद मुंबई लौटे, लेकिन तब तक पूरी तस्वीर बदल चुकी थी। आश्रम से लौटने के बाद विनोद इंसाफ, कुर्बानी, दयावान, चांदनी जैसी फिल्मों में नजर आए। दर्शकों ने उन्हें फिर से प्यार भी दिया, लेकिन पहले जैसा स्टारडम नहीं मिल सका। दूसरी तरफ ओशो के आश्रम में जाने से उनकी पहली शादी पर असर पड़ा। उन्होंने अपनी कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से 1971 में शादी की थी और 1985 में यह शादी टूट गई थी। इस शादी से विनोद के दो बेटे थे, अक्षय और राहुल खन्ना। साल 1990 में विनोद ने कविता दफ्तरी से शादी की थी। कविता और विनोद की दो बेटियां हुई जिनके नाम साक्षी और श्रद्धा खन्ना हैं। 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में विनोद खन्ना का निधन हो गया था। विनोद के चारों ही बच्चे एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमा चुके हैं। सिर्फ अक्षय खन्ना को बॉलीवुड में फेम मिली, बाकी सभी इतना नाम हासिल नहीं कर सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।